ठीक है, तो फर्स्ट सी द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर इज गिवन बिलो. सो द फर्स्ट टॉपिक इज लाइट, सेकेंड टॉपिक इज ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, द थर्ड टॉपिक इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, द फोर्थ टॉपिक इज लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ. लाइट जो ट्रेवल करता है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, लाइट जो है कर्वली ट्रेवल नहीं करता है या सर्कुलरली या फिर जिगजैग मोशन में, ये किस में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन अ स्ट्रेट पाथ, और रिफ्लेक्ट भी किस में करता है, स्ट्रेट पाथ में ही रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो फॉर्मेशन, मिरर, एंड द लास्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट. सो वील स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइट. सो लाइट क्या होता है, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक थिंग्स विजिबल. लाइट एक तरह का एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीजों को क्या होता है, क्लियरली विजुअली देख पाते हैं. ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो लाइट क्या होता है, एक ऐसा चमचमाता हुआ चीज जो हर एक चीज से निकलती है. जैसे कि आप बात करोगे कि टॉर्च, टॉर्च हुआ, यू कैन से द हेडलाइट, है ना, कार का हेडलाइट, बाइक का हेडलाइट, घर में ट्यूबलाइट्स होते हैं, है ना, और भी बहुत कुछ होते हैं जिससे कि लाइट्स निकलती है. ठीक है, सो जिससे निकलती है और जिसकी वजह से हमको चीजें दिखाई देती है, चीजें को हम क्लियरली अच्छे से देख पाते हैं. ठीक है ना, तो लाइट एक इस तरह का एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीजों को विजुअली देख पाते हैं. लाइट इज नीडेड टू सी थिंग बट कांट सी एन ऑब्जेक्ट इन डार्कनेस ऑफ लाइट. लाइट क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, बट अगर वही ऑब्जेक्ट अगर अंधेरे में, डार्कनेस ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में अगर हमें देखने मिला तो वी आर नॉट एबल टू सी एनी थिंग, हमें कुछ भी नहीं दिख पाएगा. जैसे कि मैं आपको बात करती हूँ, लाइक अगर आप किसी अंधेरे रूम में हो, ठीक है, एंड लाइक उस वक्त क्या है ना, लाइट्स ऑफ है रूम के आपके, तो यू आर नॉट एबल टू सी एनी थिंग एट दैट टाइम, अंडरस्टैंड. अगर मैं बात करूँ जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं दिखता. अगर एज सिमिलर अगर आपको भी रूम में रखा जाए, अंधेरे रूम में, तो आपकी कंडीशन भी वैसी ही हो जाएंगी, आपको भी कुछ नहीं दिख पाएगा क्योंकि आप टोटली लाइट पर डिपेंड हो. ठीक है ना, सो हमारी जो आंखें होती है क्या होती है, लाइट पे डिपेंड होती है. तो लाइट में ऐसा क्या मैजिक है, सबके दिमाग में आ रहा होगा कि लाइट में ऐसा क्या मैजिक है जो हमको चीजों दिखती है, है ना. सो अगर उसी वक्त अंधेरे रूम में, लाइक एज सून एज आई विल स्विच ऑन द लाइट, देन एट दैट टाइम वी कैन एबल टू सी थिंग वेरी क्लियरली. सो यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट अंटिल अनलेस देयर इज नो लाइट वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. Understand? So, we understand that light is necessary to see thing. हम लोग को समझ में आया कि light क्या है, हम लोग के लिए बहुत necessary. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ light है इसके पीछे में देखो अंधेरा है, लेकिन आगे तक देख रहे हो पूरा light है. अगर इसको off कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा. तो light क्या है, बहुत necessary है हमें किसी भी चीज को देखने के लिए.
लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एज आई हैव टोल्ड यू, लाइट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, कर्वली या फिर जिग जैक मोशन में नहीं ट्रेवल करता है. इट डिटेक्ट लाइट विथ आवर आईज. हम लोग जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं किसके थ्रू करते हैं, अपने आंखों के थ्रू लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है. इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इन द मीडियम ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. ये जो लाइट है किसमें ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. मोशन चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें स्ट्रेट लाइन होती है, ट्रेवल करती है जो ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन भी वही हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है जो चीज ट्रेवल करती है. हम लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जैसे कि हम सोचते होंगे कि हाउ वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड, जो भी हमारे आसपास चीजें हम उसको देख कैसे पाते हैं. ये तो क्वेश्चन में आ रहा होगा माइंड में कि हम लोग उसको देखते कैसे हैं मैम, है ना. सो यू नो कि व्हाट लाइट्स गेट रिफ्लेक्टेड बैक, क्या होता है ना कि जो लाइट हम देख रहे हैं वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है हमारे, रिफ्लेक्टेड लाइक कोई भी चीज किसी किसी ऑब्जेक्ट में कोई लाइट पड़ रहा है तो वो क्या होता है, फिर रिफ्लेक्ट बैक होता है, तभी हम उस चीज को देख पाते हैं, ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज को हम देखते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं. सो एक बात बताओ, वी हैव डिस्कस दैट लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी समथिंग. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइट क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक, ओनली लाइट इज एनफ, इज इट दैट राइट, ओनली लाइट इज एनफ. तो यू विल से नो मैम, लाइट इज नॉट एनफ, आंखें भी तो जरूरी है किसी चीज को देखने के लिए लाइट के साथ, है ना. सो आवर आईज, आवर आईज एंड दैट लाइट बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड फॉर अस टू सी समथिंग. अगर हम बात करें कि लाइट रहे हम देख पाए नहीं, आंख एंड लाइट दोनों को प्रॉपरली हैंड इन हैंड होना होगा ताकि हम किसी चीजों को देख पाए प्रॉपरली, ठीक है. सो विल सी दैट, विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट की क्या सोर्सेज, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा लाइट क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट के सोर्सेज क्या है, लाइट के कितने सारे सोर्सेज है, ठीक है. सो एज ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट, ऐसा ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं. सो दे आर वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट, बहुत तरह के सोर्सेज ऑफ लाइट हमारे सराउंडिंग में है, अराउंड अस, लाइक सन लाइट, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, केरोसिन ऑयल लैम्प, टॉर्च, फायरफ्लाई. पता है क्या होता है फायरफ्लाई, जो रात में एक आप लोग एक देखते होगे जुगनू, आप लोगों ने सुना होगा नाम, जो क्या होता है, ऐसा एक इंसेक्ट है जो कि उसमें क्या होता है, लाइट होता है, इसलिए उसका नाम है फायरफ्लाई. वो जलता है, उसमें उसके उससे रोशनी आती है, ठीक है. सो द मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है ना इनमें से, सन. सन क्या है, मेन सोर्स ऑफ लाइट, एंड सन इज ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, अंडरस्टैंड. So in the next slide we'll see that the sources of light is categorized into two parts. Sources of light जो है basically दो part में categorized है. So the first one is क्या है, natural source. क्या है, natural source, जो कि प्राकृतिक देन है, जो कि खुद से हम लोग को nature से मिलता है, हम लोग उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करते, we are not created, हम लोग उसको create नहीं करते हैं, we get it from nature. And the second one is man-made, जो क्या होता है, हम लोग खुद से create करते हैं. इसमें जिस तरह की भी सोर्सेज ऑफ लाइट हमें पाई जाती है सब हम लोग खुद से बनाते हैं, देयर आर्टिफिशियल मैन मेड लाइट, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज नेचुरल सोर्सेज. सो नेचुरल सोर्सेज क्या होता है, अ नेचुरल सोर्स द सोर्सेज ऑफ लाइट विच ऑकर इन नेचर सच एज एज नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जो कि हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो प्राकृतिक देन है, जो तो कहाँ से मिलता है, प्राकृतिक से मिलता है, ठीक है. सो सन इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सन क्या है, एक बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस गिविंग अस अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट ऑफ लाइट. सन एक बेस्ट नेचुरल सोर्स लाइट है जो कि एक बर्निंग बॉल की तरह दिखता है हमें, कि लाइक ऐसा लगता है कि बर्निंग बॉल, एक आग का बोला टाइप का जला हुआ, और ये हम लोग को बहुत ट्रिमेंडस हीट ऑफ लाइट देता है, ठीक है. स्टार, मेटियोइट लाइक शूटिंग स्टार, फायर फ्लाई, सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल लाइट. ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है नेचुरल लाइट की, ठीक है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है. सो दिस सोर्सेज ऑफ लाइट विच हैव बीन मेड बाय मैन. मैन मेड सोर्स मतलब नाम से समझ में आ रहा, मैन मेड मतलब इंसान बनाता है, मैन मेड, ठीक है. सो ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो कि हम लोग बनाते हैं, इंसान बनाता है.
मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी बोलते हैं। कहीं पे अगर आप देखोगे कि आर्टिफिशियल लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि ये क्या है, मैनमेड। अंडरस्टैंड? एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ द मैनमेड सोर्स आर इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, केरोसिन ऑयल लैम्प एंड टॉर्च। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मैनमेड सोर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट विल डिस्कस ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्फ। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करता है खुद से, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, जो अपना लाइट जो देता है, लाइक आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन लाइट, उसका खुद का अपना रोशनी होता है। ठीक है, उस तरह के लाइट को बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उस तरह के ऑब्जेक्ट को जिसका क्या होता है, इसका खुद का लाइट होता है, अपना लाइट होता है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल इज सन, स्टार, बर्निंग कैंडल, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइटेड टॉर्च, ग्लोइंग ट्यूब लाइट, टेलीविजन स्क्रीन, फायर फ्लाई। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट विच डोंट गिव अर्स इट्स ओन लाइट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद का कोई लाइट नहीं होता, वो अपना खुद का कोई रोशनी नहीं देता है। ठीक है, उस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनियस लाइट। जैसे कि बात करें, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कांट बी सीन ओनली, कैन सीन ओनली व्हेन इट्स लाइट कमिंग फ्रॉम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई कॉपी रखा हुआ है। ठीक है, कॉपी, टेबल, चेयर, पेन, कुछ भी, अगर टॉर्च का रोशनी आप इस पे दिखा रहे हो तभी आप इस कॉपी को देख पाओगे। तो वहां इसमें यहाँ पे यही बोल रहा है कि नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो टॉर्च क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, टॉर्च से रोशनी आ रहा है तभी हम इस कॉपी को देख पा रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का रोशनी इसमें दिखेगा। ठीक है, सो द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर टेबल, चेयर, बुक्स, मिरर, कैमरा, शूज, पेन, पेंसिल एंड एक्सेट्रा। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है,